कहाँ के रहने वाले हैं पूरे? तो ज्ञान सिंह जी जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हुई? रिटर्न एग्जाम मेरा उस समय स्टार्टिंग में काफी दिक्कत आ रही थी। अच्छा, पहले स्वेलिंग भी आ रही थी आपको? हाँ, मतलब लाइट एसी पंखा से प्रॉब्लम हो रही थी पहले, अभी नहीं। अच्छा, और साथ में क्रिएटिनिन पहले कितना था आपका? नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हैं एक पेशेंट और जिनको किडनी की समस्या थी, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, जानेंगे उनसे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर। क्या नाम है? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह, तो ज्ञान सिंह जी जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस समय बीपी की प्रॉब्लम थी, 110-180 ऐसे आ रहा था, तो कंट्रोल नहीं हो रहा था उस समय। तो फिर मैं यहाँ विजिट किया था कर्मा आयुर्वेदा जैन में विजिट किया था मैं, तो आफ्टर वन मंथ बीपी कंट्रोल होना स्टार्ट हो गई थी। अभी काफ़ी मतलब फ्लक्चुएट नहीं होता बीपी, अभी वो कंट्रोल है। और क्रेटानिन था मेरा उस समय 5.6 समथिंग था, अभी 3.66 है, और कोई फिजिकल चैलेंज है नहीं। स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जैसे सिर भारी होना या पेन होना पीछे बैक साइड में, अभी वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, स्वेलिंग भी नहीं है कहीं पर, आराम है काफ़ी। अच्छा, पहले स्वेलिंग भी आ रही थी आपको? पैर में नीचे साइड में स्वेलिंग आ रही थी। ठीक है, अभी नहीं है। अभी नहीं है पैर, अभी सूजन नहीं आ रही बिल्कुल। ठीक है, और बीपी कितना था पहले? पहले आता था 110 नीचे का आता था, 180 अपर साइड का जाता था। अच्छा, 180 by 110। हाँ, ओके। अभी 80-120, 85-125 ऐसे रहता है, कंट्रोल चल रहा है। हाँ, जब से मेडिसिन लिया। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात। और सबसे बड़ा फर्क आया, जैसे मैं अगर लाइट में बैठ जाता था तो मैं सो नहीं पाता था, साउंड जैसे अगर चेयर भी अगर साउंड करती तो भी प्रॉब्लम करती थी। अभी क्या है, ये बैंड बाजा म्यूजिक कुछ भी होता है, मतलब फर्क नहीं पड़ता। मतलब लाइट एसी पंखा से प्रॉब्लम हो रही थी पहले, अभी नहीं हो रही थी? अभी नहीं है। ठीक है, ठीक है। और क्या क्या फ़र्क लगा ज्ञान सिंह जी? और सबसे ज़्यादा तो वेट में फ़र्क लगा, वो तो सबसे ज़्यादा घातक ही था। अच्छा, और साथ में क्रिएटिनिन पहले कितना था आपका? 5.6 समथिंग था। 5.6। जांच कहाँ से कराई थी आपने? लाल पैथ लैब से। लाल पैथ से। और अभी कितना आ रहा है? अभी 3.66 है। ये गोरखपुर से कराई है जांच? जी, दोनों जांच वहीं से कराई है। तो लैब का आपने तो नहीं बताया था, इस लैब से कराओ या अपने हिसाब से? लाल पैथ से मैंने अपने आप से कराया था वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और उसका मेन रीज़न था, जैसे एलोपैथ में जाने पे वो मैं विजिट भी किया था, उन्होंने कहा डायलिसिस करना है, और उन्होंने एक वर्ड और कहा कि हो सकता फ्यूचर में एक डोनेटर भी आप जुगाड़ करके रखना। तो फिर मैंने उनकी दवा एक डोज भी नहीं ली। अच्छा। तो मेरे जानकार हैं यहाँ दिल्ली में, आपके ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल है यहाँ पे खेड़ा डावर में, तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था कि आप वहाँ विजिट कर जाओ। चलिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स विजिबल हुए हैं। ज्ञान सिंह जी गोरखपुर निवासी जानकारी से आए थे, और क्रिएटिनिन जो था वो पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास। इनका जो क्रिएटिनिन था पहले 5.35 था, ये जांच इन्होंने कराई है 12 जनवरी 2024 की, ये रिपोर्ट है। 5.35 क्रिएटिनिन आ गया था, गोरखपुर लाइफ डायग्नोस्टिक सेंटर से कराई है। DN त्रिपाठी डॉक्टर साहब को दिखा रहे थे वहाँ पर, उन्हीं को दिखा रहे थे। तो ये जांच वहाँ से कराई है इन्होंने, उसमें इनका जो था क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा था, साथ साथ इनके बाकी जो पैरामीटर्स थे वो भी बढ़े थे। यूरिया भी 1.40 आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। देन अगेन आ रिपीट टेस्ट वॉज कंडक्टेड, और इस टेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि 22/7/2024 यानी कि ये टेस्ट इन्होंने कराया, आपने जनवरी के बाद ये जुलाई में टेस्ट कराया ना जी, तो लगभग इन्होंने 6 माह के पश्चात ये जांच कराई है, और 3.66 हो चुका है। लाल पैथ लैब से जांच कराई है, गोरखपुर से कराई है, और इसके अंदर यूरिया जो है वो भी रिड्यूस हुआ है, 85 की रेंज में आ गया है। दोनों जांच आपने अपने वहीं से कराई हैं। एक बार ये पकड़ के दिखाएंगे सामने कि इनका जो क्रिएटिनिन था वो जो पहले था वो 5 था, और अभी जो है वो रिड्यूस होकर 3 की रेंज में आ चुका है। फिजिकली काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, अभी सही है सर, सही लग रहा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? किडनी के पेशेंट होते हैं उनको डायलिसिस बोल देते हैं, ट्रांसप्लांट बोल देते हैं। नहीं सर, डायलिसिस में तो जाना नहीं चाहिए ना, फिर तो आप घर में एक डोनेटर तैयार रखिए, हो सकता है 10 ईयर के बाद 2 रखेंगे। आप तो आयुर्वेद में आए विजिट करें, कर्मा आयुर्वेदा ही विजिट करें। आई वुड लाइक टू से समथिंग दैट इज अबाउट कर्मा आयुर्वेदा, यू मस्ट विजिट देयर फॉर योर हेल्दी लाइफ। बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आए हैं ज्ञान सिंह जी को, मात्र 34 वर्ष की उम्र है ज्ञान सिंह जी की, और इस उम्र में 36 वर्ष 34 वर्ष क्या उम्र है आपकी भी? 35 ईयर्स की एज है। इस उम्र में इनको किडनी डैमेज हुई और इनको बता दिया गया कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए या डायलिसिस का अरेंजमेंट कर लीजिए। क्रिएटिनिन इनका बढ़ रहा था, फिजिकली बहुत दिक्कत थी जी, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था इनका। बीपी भी कंट्रोल है? नहीं, बीपी से प्रॉब्लम नहीं होती अभी, बिल्कुल कंट्रोल है। पहले से ठीक लग रहा है? हाँ। बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे पहले से और अब में बहुत अच्छे चेंजेस इनको नज़र आए, फिजिकली भी इनको काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है।
फिजिकली ठीक लग रहा है ना? नहीं, अब गोरखपुर से यहाँ तक आए हो आप, कितने किलोमीटर है? 900 समथिंग। मैं अकेले यार विजिट किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गोरखपुर से यहाँ अकेले आए हो? कैसे आए हो आप? बाय ट्रेन आए हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इतने आप सक्षम हो कि आप इतना 900 किलोमीटर का ट्रैवल करके बाय ट्रेन आए हैं। चलिए, मैं सर लाइट में भी नहीं बैठ पाता था। अगर आप इतना बात कर रहे हैं तो फिर मेरे घर में कोई जैन के मंथ में कोई बात नहीं करता था मेरे अगल बगल में कि साउंड हो जाए, ये प्रॉब्लम थी। अभी वो है ही नहीं कुछ भी ऐसा। ठीक है, मतलब आप, आपके साथ कोई बात कर रहा तब भी दिक्कत हो रही थी, इतनी ज़्यादा गंभीर आपके कहीं साउंड भी मतलब अगर आ रहा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। इरिटेशन बढ़ जाता था, बीपी तुरंत बढ़ जाती थी। अभी अगर म्यूजिक बैंड वगैरह जा रहा है कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बीपी शूट अप कर रहा था? हाँ, शूट अप कर रहा था वो बहुत तेज। अभी नहीं फर्क पड़ता, सही रहा। बीपी मॉनिटर कर रहे हो आप? जी। किस समय चेक करते हो बीपी? खाने के पहले मॉर्निंग में, खाने के बाद, फिर दोपहर में एक बार, शाम को फिर वही रूटीन रहता है। ठीक है, ठीक है। तो वो कंट्रोल रहता है हर बार? हाँ। अभी कितना आता है हर बार बीपी? अभी 85, 122, 82, 122 ऐसे आता है। चलो, वेल विद इन द रेंज आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल आ रहा है, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जी, लग के फॉलो कीजिएगा आगे भी। तो होलिस्टिकली अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच हमारी रहती है, जिसके अंदर डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, मेडिसिन, सब कुछ बताया जाता है। और ज्ञान सिंह जी ने वो सब चीज़ें लग के फॉलो करी और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स भी नज़र आए हैं। इन्होंने लाल पैथ लैब से रिपोर्ट भी कराई है, ये रिपोर्ट मैं स्कैन करके भी लगा दूंगा ताकि सारे दर्शक देख पाए कि बिफोर और आफ्टर किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से प्रूव होता है। क्या संदेश रहेगा किडनी पेशेंट के लिए? किडनी के पेशेंट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है उनको, तो बहुत सारी दिक्कत भी हो रही होती है। मैं अपनी कंडीशन को देखते हुए बता सकता हूँ कि आप कर्मा आयुर्वेदा विजिट करें एक बेटर रिजल्ट के लिए। और जो यहाँ की टीम है वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है आपको। जैसा कहा जाता है, डाइट है, योगा वाले सर हैं, और जो भी मैम आपको हेल्थ काउंसलर या सर मिलेंगे उनकी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा, खास करके डाइट प्लान को स्पेशली। बिल्कुल, डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। तो डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे स्टॉप किडनी डायलिसिस। अरे वाह, आपने बहुत सारी देखी हुई है वीडियोस हमारी। स्टॉप किडनी डायलिसिस, किडनी डायलिसिस।